धार्मिक मान्यता है कि शनिदेव से दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि शनिदेव को ये श्राप है कि वे जिसकी ओर भी अपनी दृष्टि डालेंगे उसका अनिष्ट हो जाएगा। उनकी दृष्टि से बचे रहने के लिए लोग उनकी प्रतिमा को घर पर नहीं रखते हैं। यही वजह है कि लोग पूजा के दौरान शनिदेव से दृष्टि नहीं मिलाते हैं और न ही उनके एकदम सामने खड़े होकर पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव को श्राप उनकी पत्नी ने ही दिया था। एक बार शनिदेव भक्ति में लीन थे, तभी उनकी पत्नी शनिदेव के पास संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर आई, लेकिन शनिदेव ध्यान में इतने मग्न थे कि उनकी तरफ देखा भी नहीं। इस बात पर उनकी पत्नी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि यदि तुम अपनी पत्नी को नहीं देख सकते तो तुम्हारी दृष्टि वक्री हो जाए, ये जिस पर भी पड़ेगी उसका अनिष्ट हो जाएगा। ये भी मान्यता है कि शनि की वक्र दृष्टि की वजह से ही गणेश जी का सिर घर से अलग हो गया था। इसके पीछे एक कथा है कि जब माता पार्वती ने अपनी उबटन से गणेश को बनाया तो शिवलोक में एक उत्सव हुआ। सभी देवगण उन्हें अपना आशीर्वाद देने आए, लेकिन उस समय शनिदेव उन्हें बिना देखे ही वहां से लौटने लगे। तब माता पार्वती ने कहा कि शनिदेव आप मेरे पुत्र को देखेंगे भी नहीं क्या? शनिदेव ने कहा कि मेरा देखना मंगलकारी नहीं है। तब माता पार्वती ने कहा आपको मेरे पुत्र होने से प्रसन्नता नहीं हुई है शायद, लेकिन मेरा आदेश है कि आप इसे देखें और अपना आशीर्वाद दें। तब शनिदेव ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश पर अपनी दृष्टि डाली। कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि के बाद ही गणेश जी का सिर कटने वाली घटना घटी और गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया। इसके बाद गणेश जी को गजानन कहा जाने लगा। शास्त्रों के मुताबिक रामायण काल के दौरान एक बार शनि को अपनी शक्ति बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस समय हनुमान जी की कीर्ति की भी चारों दिशाओं में चर्चा में थी। जब शनि को हनुमान जी की शक्ति के बारे में पता चला तो शनिदेव ने उनसे युद्ध करने का मन बना लिया। वहीं हनुमान एक शांत जगह पर प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। शनिदेव वहां पहुंचे और हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगे। शनिदेव की ललकार सुनकर हनुमान जी उन्हें समझाने लगे। हनुमान जी के समझाने पर भी शनिदेव नहीं माने। काफी देर बातचीत के बाद भी जब शनिदेव नहीं समझे तो हनुमान युद्ध के लिए तैयार हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में शनिदेव परास्त हो गए। युद्ध के बाद शनिदेव हनुमान जी के प्रहारों की वजह से दर्द में थे, उनके पूरे शरीर में पीड़ा हो रही थी। शनिदेव को तड़पता देख हनुमान जी ने उनकी मदद के लिए उन्हें एक तेल दिया। इस तेल को लगाने के बाद शनिदेव की पीड़ा कम हो गई। इसी वजह से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की मान्यता शुरू हुई। तेल चढ़ाने को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब श्री राम की वानर सेना ने सागर पर सेतु बांध लिया था तब हनुमान जी को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के वक्त पूजा पाठ के लिए बैठे तो सूर्य पुत्र शनिदेव उनके सामने आ गए और युद्ध के लिए ललकारने लगे। इस पर हनुमान जी ने उनसे कहा, आप मेरे आदरणीय हैं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन शनिदेव नहीं माने। इस पर हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ से बांध लिया और सेतु की परिक्रमा करने लगे। शनिदेव का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ से पटकना शुरू कर दिया। इस वजह से शनिदेव को भयंकर पीड़ा होने लगी। अपनी तकलीफ बढ़ती देख शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वह उन्हें मुक्त कर दें। इस पर हनुमान जी ने उन्हें बंधन से मुक्त किया और उनकी तकलीफ दूर करने के लिए एक तेल दिया। इससे शनिदेव का दर्द दूर हो गया। मान्यता है तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाने लगा।
शनि देव को तेल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। ग्रह की स्थिति भी शनि देव को तेल चढ़ाने से सुधरती है। अतः शनि देव की जय बोलते हुए शनिवार के दिन मंदिर में जाकर तेल चढ़ाते हुए गलतियों की माफ़ी मांगे। भगवान सब कल्याण करते हैं। जय।